वेलकम अगेन। आज का मेरा वीडियो का टॉपिक ऑस्ट्रैकोडर्म पर है। इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने वर्टिब्रेट के क्लासिफिकेशन को डिटेल में देखा था। वहां पे हम लोगों ने देखा था कि वर्टिब्रेट एनिमल कॉर्डेट से कैसे अलग हैं, एक्चुअल में कॉर्डेट का मीनिंग क्या होता है, वर्टिब्रेट का मीनिंग क्या होता है और इसकी ओरिजिन के बारे में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था। यहाँ पे हम लोग देखेंगे आज जो हमारा पहला एक्सटेंट क्लास है, दैट इज ऑस्ट्रैकोडर्म। तो हम लोगों ने देखा था कि हम वर्टिब्रेट को दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। पहला ग्रुप हमारा था एग्नेथा, दूसरा ग्रुप हमारा नेथोस्टोमेटा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो एग्नेथा को फर्दर जो है हम लोगों ने क्लासेस में डिवाइड किया है। तो सबसे पहली क्लास आपका ऑस्ट्रैकोडर्मी है, इसके बाद आपका साइक्लोस्टोमेटा आएगा, ठीक है। तो एग्नेथा में आपकी दो क्लास हैं, एक आपका ऑस्ट्रैकोडर्म, दूसरा आपका साइक्लोस्टोमेटा। तो आपका क्लास ऑस्ट्रैकोडर्म और क्लास साइक्लोस्टोमेटा की अगर हम करेक्टरिस्टिक फीचर की बात करें तो एग्नेथा मीन्स इनके पास जॉ नहीं है। अगर हम दोनों ही क्लास के एनिमल की बात करें तो इस दोनों ही क्लास के एनिमल के पास आपके जॉ की अब्सेंस है, ठीक है, जॉ नहीं पाए जाएंगे और ये वर्टिब्रेट एनिमल होते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम देखेंगे अर्लीस्ट नोन वर्टिब्रेट जॉलेस। देखिए इसके डिफिनेशन में ही ये बात लिखी हुई है, अर्लीस्ट नोन वर्टिब्रेट मीन्स धरती पर आने वाले सबसे पहले वर्टिब्रेट जॉलेस प्रिमिटिव फिश लाइक, ठीक है। ये जॉलेस है, प्रिमिटिव है, फिश लाइक एनिमल है, प्लेस्ड अंडर ऑस्ट्रैकोडर्मी, जिनको जो है क्लास ऑस्ट्रैकोडर्म में रखा गया है। दे रिजेंबल विथ, अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रैकोडर्म आपका एक्सटिंक्ट हो चुका है। सो दीज एनिमल्स रिजेंबल विथ प्रेजेंट डे या टूडेज साइक्लोस्टोमेटा क्लास एनिमल। तो आज जो भी आपके साइक्लोस्टोमेटा के एनिमल पाए जाते हैं, अगर हम बात करें तो हम आपको ऑस्ट्रैकोडर्म के बाद साइक्लोस्टोमेटा अगला जो है क्लास पढ़ाएंगे। तो वहाँ पे आप देखेंगे दो आपके ऑर्डर वहाँ बहुत ही फेमस हैं, एक आपका पेट्रोमाइजेंटिफॉर्मिस, एक आपका मिक्सी फॉर्मिस। तो आप देखेंगे पेट्रोमाइजेंटिफॉर्मिस में पेट्रोमाइजॉन और आपका मिक्सीन, ये दोनों मछलियाँ जो है बहुत ही फेमस हैं जो कि आपकी साइक्लोस्टोमेटा में आती है। साइक्लोस्टोमेटा का मतलब सर्कुलर माउथ। तो ऑस्ट्रैकोडर्मी में आज हम लोग देखेंगे कि ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे पहले वर्टिब्रेट थे और हम लोग इस चीज को देखेंगे कि कैसे आपका ऑस्ट्रैकोडर्म एनिमल से ही जो है आपका साइक्लोस्टोमेटा एनिमल की ओरिजिन हुई है। आप देखेंगे हम जो है ऑस्ट्रैकोडर्म की एफिनिटी को साइक्लोस्टोमेटा के साथ जब देखेंगे तो हम देखेंगे कि कैसे हमारा ऑस्ट्रैकोडर्म एक्सटिंक्ट हो गया, कौन कौन से करेक्टरिस्टिक फीचर ऑस्ट्रैकोडर्म में थे जो कि एक्सटिंक्ट हो गए और कौन कौन से फीचर्स फिर आपके साइक्लोस्टोमेटा ग्रुप में मीन्स आपके साइक्लोस्टोमेटा क्लास में नए आ गए। सेकेंड अगर हम करेक्टरिस्टिक फीचर की बात करें तो दीज ऑस्ट्रैकोडर्म ओरिजिनेट इन कैम्ब्रियन पीरियड, ठीक है। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में थोड़ा बहुत जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में बताया था, हालांकि मैंने आपको ये भी बताया कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल को हम लोग काफ़ी डिटेल में स्टडी करेंगे जो कि आपका सेकेंड ईयर का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिकल टाइम स्केल हम लोगों ने देखा था कि हमारा सबसे पहले जो इरा आता है दैट इरा इज एजोइक इरा। तो एजोइक इरा में जैसे नाम से ही पता चल रहा है किसी भी एनिमल की ओरिजिन नहीं हुई है। इसके बाद हमारा आता है पेलियोजोइक इरा। पेलियोजोइक इरा को हम लोग नीचे से बढ़ते हुए क्रम में होगा तो सबसे पहला आपका कैम्ब्रियन, ऑर्डोविसियन, सिलूरियन, डेवोनियन, देन कार्बोनिफेरस, और उसके बाद आपका परमियन आता है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हमारा पैलियोजोइक इरा में हमारे वर्टिब्रेट की ओरिजिन हुई है, मतलब अर्लीस्ट वर्टिब्रेट की। वैसे तो अब हम लोग जब प्रोटोजोआ, पोरीफेरा ये सारी चीजें पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि कैसे आपके इनवर्टिब्रेट भी इन्हीं टाइम पीरियड में ओरिजिन हुए हैं, मीन्स इस इरा के
इन्हीं पीरियड में आपका इन्वर्टिब्रेट की भी ओरिजिन हुई है और इन्वर्टिब्रेट के साथ साथ आपका वर्टिब्रेट की भी ओरिजिन इन्हीं सब इरा में हुई है, मीन्स पैलियोजोइक इरा में ही हुई है। तो पैलियोजोइक इरा में हम सबसे पहले देखेंगे आपका जो सबसे प्रिमिटिव आपका वर्टिब्रेट आया, ठीक है, दैट इज ऑस्ट्रेकोडर्म। तो इट ओरिजिनेट इन कैम्ब्रियन और ऑर्डोविसियन पीरियड। अगर हम बात करें तो कैम्ब्रियन और मिड बीच में, ऑर्डोविसियन पीरियड के बीच में, कैम्ब्रियन और मिड ऑर्डोविसियन में आपका जो है ऑस्ट्रेकोडर्म की ओरिजिन हुई है। और इस टाइम को अगर हम देखें तो लगभग 500 मिलियन ईयर एगो की ये बात है। तो आपका दीज एनिमल्स आर अबेंडेंट। तो सबसे ज्यादा अगर हम बात करें कि ये एनिमल की सबसे ज्यादा तादाद बढ़ गई, ठीक है, मीन्स आपका ऑस्ट्रेकोडर्म की सबसे ज्यादा तादाद बढ़ गई, वो बढ़ गई आपके सिलूरियन और डेवोनियन पीरियड में, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग डेवोनियन पीरियड को जो है वो एज ऑफ या गोल्डन एज ऑफ फिशेस भी बोलते हैं। सिलूरियन और डेवोनियन पीरियड में आपका सबसे ज्यादा जो है ये एनिमल एकदम बूम पर थे, ठीक है, इनकी सबसे ज्यादा एबेंडेंट थे आपका सिलूरियन और डेवोनियन पीरियड में। अगर हम फिशेस की बात करें तो आई सबसे पहले हम लोग ऑस्ट्रेकोडर्म की वर्ड के मीनिंग को समझते हैं। तो आपका ऑस्ट्रेको मीन्स होता है शेल, ऑस्ट्रेको मीन्स होता है आपका शेल और डर्मा मीन्स होता है आपका स्किन, ठीक है, डर्मा मीन्स आपका स्किन। ऑस्ट्रेकोडर्म का मीन्स आपका शेल्ड स्किन, मतलब आपके ऐसे एनिमल जिन एनिमल के ऊपर आपका हार्ड कवरिंग पाई जाएगी, ठीक है, ऐसे एनिमल जिनके ऊपर हार्ड कवरिंग पाई जाए, बोनी प्लेट्स की बहुत ही हार्ड कवरिंग पाई जाए, वो बोनी प्लेट जो है एनिमल के हेड पोर्शन को कवर कर लें, आपके जो है बॉडी के अदर पार्ट को कवर करें, बॉडी को पूरी तरह से बोनी प्लेट्स अगर कवर कर ले, तो ऐसे एनिमल को हम लोग ऑस्ट्रेकोडर्म में रखते हैं। तो आइए इसके आगे की करेक्टरिस्टिक फीचर को हम लोग देखते हैं। तो दीज एनिमल आर फिश लाइक, ये फिश लाइक होते हैं, फ्लैट एंड अगर हम बात करें तो बिल्कुल फ्लैट होते हैं और डॉर्सो वेंट्रली। तो ये इसमें अगर हम बात करें तो एनिमल आपका डॉर्सल से और वेंट्रल से दोनों तरफ से फ्लैट है, टैपर्ड है, मसल्स ट्रंक सम शॉर्ट ऑफ टेल फिन। अगर हम बात करें तो ये डॉर्सो वेंट्रली आपका टैपर्ड है, इस तरीके से टैपर्ड कर दिया गया है, दोनों तरफ से दबा दिया गया है और इसकी जो मसल्स थी, ठीक है, मस्कुलर ट्रंक इसके पास प्रेजेंट है और कुछ अगर हम बात करें तो शॉर्ट ऑफ टेल फिन, कुछ आपका टेल फिन का हिस्सा इसमें प्रेजेंट है, मीन्स इसके पास कोई भी पेयर्ड अपेंडेजेस नहीं है। आपका अगर हम कोई फिश की बात करें तो सपोज अगर आप ये कोई फिश का स्ट्रक्चर बनाते हैं इस तरीके से, तो आप इसमें देखते हैं इसकी ये कॉडल फिन होती है और आगे वाली इस तरह इस फिन को हम लोग पेक्टोरल फिन और पीछे वाली फिन को हम लोग पेल्विक फिन बोलते हैं। तो नो जॉ, तो मैंने आपको बताया हम लोग इसको एग्नेथा में रखते हैं, तो एग्नेथा में रखने की वजह से इसके पास जॉ की एब्सेंस हो गई, मीन्स इसके पास जबड़े नहीं है, नो पेक्टोरल नो पेल्विक फिन, ना तो इसके पास कोई पेक्टोरल फिन है ना इसके पास कोई पेल्विक फिन है। और अगर हम बात करें तो डॉर्सल से भी और वेंट्रल से भी इसको प्रेस कर दिया गया है डॉर्सो वेंट्रली। तो इस तरीके की जो एनिमल होते हैं वो डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं। केवल कह रहा है कि इसके पास मीडियन फिन की प्रेजेंस होती है। तो अगर हम लोग बात करें तो इसके पास कुछ मीडियन फिन मीन्स आपका बीच में कोई मीडियन फिन प्रेजेंट होगा, ओनली मीडियन फिन प्रेजेंट, ठीक है, केवल मीडियन फिन होता है या कुछ शॉर्ट ऑफ टेल फिन। अगर हम लोग बात करें तो कुछ शॉर्ट ऑफ इस तरीके से टेल फिन प्रेजेंट होता है, ठीक। तो दिस इज द डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर ऑफ दिस एनिमल, जो भी लिखा हुआ है आप उस आपका आपके माइंड में उसको देख करके कैसा एनिमल एनिमल का फिगर बनेगा। अभी आगे हम वीडियो में इसके फिगर को भी जो है डिस्क्राइब करेंगे, इसके एग्जाम्पल को। नेक्स्ट है बोनी हैवली आर्मोर्ड, ठीक है, मतलब इसमें जो एनिमल पाए जाते हैं ऑस्ट्रेकोडर्म में उसको मैंने आपको बताया दीज एनिमल आर कॉल्ड शेल स्किन एनिमल, मींस जिनके पास आपके बोन का काफी हैवी बोन की कवरिंग पाई जाएगी। तो आर्मोर्ड मींस होता है कवच कुंडल, जिस तरीके से हम लोगों ने देखा है कि जब भी कोई हमारा सैनिक होता है, वो पुराने जमाने की अगर हम बात करें तो पुराने जमाने के सैनिक जैसे अपने आप को हैंड में बचने के लिए हैंड ग्लव्स, ठीक है, लोहे के, और अपने बॉडी पर जो है बड़े बड़े कवर
आर्मर पहन लेते थे, ठीक है, लोहे के बने हुए, तो उसी तरीके से बोन के बने हुए हैवली आर्मोर्ड, ठीक है, ये अपने आप को पूरी तरह से जो है बोन से कवर करके रखते हैं। द हेड वॉज इनकेस्ड, अगर हम हेड की बात करें तो हेड इनकेस्ड होता है एक सॉलिड शील्ड में, ठीक है, एक सॉलिड शील्ड में। तो जिस तरीके से मुकुट पहनते थे राजा लोग जो है लोहे का मुकुट, तो उसी तरीके से इनके पास भी बोन का बना हुआ सॉलिड शील्ड था, मेड अप ऑफ ब्रॉड डर्मल प्लेट। तो जो आपका हेड वाला पोर्शन होता है उसको हम लोग प्लेट बोलते थे, ठीक है, डर्मल प्लेट, ठीक, उसको हम लोग डर्मल प्लेट बोलते थे। वाइल द बोनी कवर्ड बाई, अगर हम बात करें तो पूरी, वाइल द बॉडी कवर्ड बाई स्मॉल प्लेट्स, और बॉडी के ऊपर जो है स्मॉल प्लेट्स पाए जाते थे, और हेड के ऊपर एक लार्ज जो है एक लार्ज प्लेट जिसको हम लोग डर्मल प्लेट बोलते थे, जबकि बॉडी इज कवर्ड बाई स्मॉल प्लेट्स, दैट प्लेट्स इज कॉल्ड डर्मल स्केल। तो बॉडी के ऊपर आपका डर्मल स्केल पाई जाती थी। नेक्स्ट अगर हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करें तो ए पेयर ऑफ लेटरल आई, ठीक है, तो ए पेयर ऑफ लेटरल आई, तो जैसे अगर हम बात करें तो ये हमारी आईज लेटरल नहीं है, ये हमारे वेंट्रल साइड में दोनों आईज प्रेजेंट है। सपोज ये आपका कोई एनिमल है, ये मेरा हैंड कोई एनिमल है, तो एक आई, सपोज ये हैंड मेरा कोई एनिमल है, इस तरीके से एनिमल है, तो लेटरल में एक आई इधर प्रेजेंट होगी तो दूसरी आई इस तरफ प्रेजेंट होगी, एक आई ये तो दूसरी आई ये, ठीक है, दोनों लेटरल साइड में, ठीक है, दोनों लेटरल साइड में आपके आई प्रेजेंट है। ए पेयर ऑफ लेटरल आई, मीडियन पीनियल आई, ठीक है, और बीच में भी, ठीक है, बीच में भी एक आई पाई जाती थी ऑन द टॉप ऑफ द हेड, ठीक है, हेड के टॉप में, सपोज ये इनका हेड है तो हेड के टॉप में एक पीनियल आई और दो लेटरल आई पाई जाती थी। तो जैसे शिव जी की अगर हम बात करें तो उनके यहाँ पे त्रिनेत्र उन्हें बोलते हैं, तो पीनियल आई सिचुएटेड ऑन द फोर हेड, तो सेम एज आपका मीडियन बीचों बीच पीनियल आई प्रेजेंट ऑन द ऑस्ट्रेकोडर्म। अ सिंगल नॉस्ट्रिल, अगर हम बात करें सेवेंथ कैरेक्टरिस्टिक फीचर की, तो अ सिंगल नॉस्ट्रिल वॉज लोकेटेड एंटीरियर टू द पीनियल आई, तो ठीक आपके पीनियल आई के ठीक आपके, जैसे सपोज ये हेड है इस एनिमल का, तो हेड के ठीक जो है हेड पर आपका पीनियल आई प्रेजेंट है और आई के ठीक आगे एक सिंगल नॉस्ट्रिल प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम लोग इसके क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, तो हम देखेंगे कि हमने इसके इस क्लास को, क्लास ऑस्ट्रेकोडर्मी को फर्दर ऑर्डर्स में डिवाइड किया हुआ है, और उस ऑर्डर में डिवाइड करने के लिए हम इस नॉस्ट्रिल को ही आधार बनाएंगे, मीन्स इस नॉस्ट्रिल की ओपनिंग को, अगर एक ओपनिंग है तो हम लोग अलग ग्रुप में रख, अलग हमने ऑर्डर में जो है लिखा हुआ है, अगर मोर देन वन ओपनिंग है तो हम लोगों ने अलग जो है ऑर्डर में इसको डिवाइड किया हुआ है। तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर की हम बात करें तो इसके पास कोई भी एक्सियल एंडोस्केलेटन नहीं होता है, ठीक है, तो आपका ऑस्ट्रेकोडर्म जो कि आपका एक्सटिंक्ट क्लास है, जो धरती पर अब नहीं पाए जाते हैं ये एनिमल, आपके एग्नेथा के ऐसे एनिमल जो धरती पर अब नहीं पाए जाते हैं, उनके पास कोई भी एक्सियल एंडोस्केलेटन नहीं पाया जाता है, जबकि अगर हम बात करें तो इनको ऑस्ट्रेकोडर्म बोलते हैं, मीन्स इसके पास आपका एक्सोस्केलेटन पाया जा रहा है, एक्सोस्केलेटन की प्रेजेंस है, ठीक है, हैवी आर्मोर्ड बोनी आर्मोर्ड इसके पास प्रेजेंट है, बट आपका एंडोस्केलेटन की अब्सेंस है, ठीक है, इसके पास कोई भी एंडोस्केलेटन प्रेजेंट नहीं है, और बॉडी को सपोर्ट करने के लिए वर्टिब्री भी प्रेजेंट नहीं है, अगर हम बात करें तो वर्टिब्री भी अब्सेंट है। तो आप यहीं से देखिए, द अब्सेंस ऑफ दिस एंडोस्केलेटन और वर्टिब्री, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स विच इज resemble with the non-chordate, which is resemble with the lower chordate. अगर हम बात करें तो ये आपका जो है character lower chordate से जो है कुछ मिलता जुलता है, क्योंकि आपका vertebrae की भी absence है। मैंने आपको previous video में बताया था, vertebrae means आपका जो भी आपका notochord है वो higher chordates में vertebrae में convert हो जाता है, ठीक है, मैं इसको detail में भी आपको बताऊंगी, जब मैं आपको cyclostomata पढ़ाऊंगी तो मैं आपको वहाँ बताऊंगी कि कैसे आपकी vertebrae की origin हुई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो माउथ वॉज एंटीरोवेंट्रल, ठीक है, इसका जो माउथ होता है उसकी सिचुएशन क्या है, कुछ एंटीरियर में वेंट्रल साइड में इसका माउथ प्रेजेंट है। द नेक्स्ट कैरेक्टर इज बॉटनड्यूलर्स फिल्टर फीडर, ठीक है, तो ये दोनों कैरेक्टर जो है आपके बॉटम ड्यूलर, ठीक है, बॉटम में जो है आपके रेंग करके ड्यूलिंग करना, बॉटम में रहना और फिल्टर फीडिंग करना, मींस खाने को जो है फिल्टर करके खाना, इस तरह का ऑस्ट्रेकोडर्म का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर था वो भी आपका लोअर कॉर्डेट से मिलता है, ठीक है।
तो इसका मतलब आपके लोअर कॉर्डेट के बाद ऑस्ट्रेकोडर्म, ऑस्ट्रेकोडर्म के बाद आपका साइक्लोस्टोमेटा, देन ठीक है, और ऑस्ट्रेकोडर्म से ही आपका फिर फर्दर साइक्लोस्टोमेटा और आपका प्लैकोडर्म की ओरिजिन हुई है। तो नेक्स्ट जब हम अभी इसी वीडियो में हम इसके रिजेंबलेंस, हम इसके सिग्निफिकेंस के बारे में पढ़ेंगे, तो हम देखेंगे कि कैसे आपका जो है ओरिजिन हुई है आपके ऑस्ट्रेकोडर्म से साइक्लोस्टोमेटा की, ऑस्ट्रेकोडर्म से आपका प्लैकोडर्मी की, मीन्स फर्स्ट आपका बोनी फिशेस की। तो हम बात करें नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर की, इसमें एन इंटरनल ईयर, ठीक है, इसके पास इंटरनल ईयर प्रेजेंट है विथ टू सेमी सर्कुलर कैनाल, ठीक है। बस यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि इसके पास दो सेमी सर्कुलर कैनाल है, ठीक है। तो हमारे ईयर में अगर हम बात करें कॉर्डेट्स के ईयर में, तो तीन सेमी सर्कुलर कैनाल पाया जाता है। इस तरीके से आपका तीन सेमी सर्कुलर कैनाल हमारे ईयर में पाया जाता है, जो कि हमारा बैलेंसिंग ऑर्गन का काम करता है। तो हम बात करें आपका अगर ऑस्टेकोडर्म्स की, तो ऑस्टेकोडर्म में आपका जो इंटरनल ईयर में है केवल दो सेमी सर्कुलर कैनाल पाया जाता है, और दो ही सेमी सर्कुलर कैनाल हम अपने नेक्स्ट क्लास साइक्लोस्टोमेटा में भी देखेंगे कि वहां पे भी साइक्लोस्टोमेटा में आपके दो ही सेमी सर्कुलर कैनाल पाए जाते हैं, जिससे हमें कोरिलेट करना आसान हो गया है कि आपका ऑस्ट्रेकोडर्म से ही साइक्लोस्टोमेटा की ओरिजिन हुई है। तो नेक्स्ट हम इसमें क्लासिफिकेशन को देखते हैं। तो क्लास ऑस्ट्रेकोडर्म को हम लोगों ने दो सब क्लास में डिवाइड किया है। पहला सब क्लास है आपका मोनोरिना, मोनो मोनोरिना। दूसरा सब क्लास आपका है डिप्लोरिना, ठीक है। तो जैसे मोनोरिना, मोनो से ही पता चल रहा है, मोनोरिना में आपका केवल ऐसे एनिमल प्रेजेंट होंगे जिसके पास केवल एक नॉस्ट्रिल की ओपनिंग पाई जाती है, ठीक है। ऑस्ट्रेकोडर्म के ऐसे एनिमल जिनके पास केवल एक नॉस्ट्रिल की ओपनिंग होगी, जबकि डिप्लो से पता चल रहा है मींस टू, दो नॉस्ट्रिल की अलग अलग सेपरेट ओपनिंग अगर पाई जाएगी तो हम लोग ऐसे एनिमल को सब क्लास डिप्लोरिना में रखेंगे। तो आपका मोनोरिना को तीन ऑर्डर में डिवाइड किया गया है और डिप्लोरिना को केवल दो ऑर्डर में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले हम लोग मोनोरिना के ऑर्डर को देखेंगे। तो सबसे पहला ऑर्डर इसका है यूफेरिनिडा। तो का यूफेरिनिडा आपका ऑर्डर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूफेरिनिडा के एनिमल की सिलूरियन पीरियड में ओरिजिन हुई और इसके पास केवल एक सिंगल एनिमल मीन्स केवल एक सिंगल जीनस है जिसको हम लोग जियोमाइटिस बोलते हैं। और ये जियोमाइटिस आपका इवोल्यूशन में जियोमाइटिस के फॉसिल का बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंस है। और जियोमाइटिस की अगर हम बात करें तो यूफेरिनिडा आपके ऑर्डर में ब्लंट हेडेड ऐसे एनिमल पाए जाते थे जिनका हेड ब्लंट होता था और नेकेड, उनके पास कोई भी बोनी कवरिंग हेड पे नहीं पाई जाती थी। और इसकी जो नोटोकॉर्ड मसल होती थी, मसल के मायोटोम होते थे, वो बिल्कुल ब्रैंकियोस्टोमा की जैसे होते थे, बट इसमें आपके गिल्स की जो है वो अब्सेंस होती थी, ठीक है। तो ऐसे एनिमल जिनके पास नेकेड हेड और नोटोकॉर्ड और आपके जो मसल मायोटोम्स हैं वो ब्रैंकियोस्टोमा के जैसे हो, तो हम लोग कहेंगे कि आपका ये जियोमाइटिस ब्रैंकियोस्टोमा के जैसे रिजेंबल करता है। तो कहीं ना कहीं आपका यूफेरिनिडा का सिंगल जियोमाइटिस एनिमल की ओरिजिन आपके लोअर कॉर्डेट, आपके प्रोटोकॉर्डेट से ही हुई है, ब्रैंकियोस्टोमा से ही हुई है, ये रिजेंबलेंस हमें शो करता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट ऑर्डर इज एनेस्पिडा। इससे पहले जो जियोमाइटिस है उसको हम लोग एनेस्पिडा का एनिमल मानते थे, बट अगर हम बात करें तो आपका एनेस्पिडा के एनिमल में, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं इसको ऊपर, आपका एनेस्पिडा के एनिमल में जो हेड होता था, एनेस्पिडा के एनिमल्स में हेड एक सिंगल और बड़े कवरिंग से ढका रहता था, एक बड़े कैरापेसी से एक बड़ी बोन से पूरा हेड ढका होता था, सिंगल डर्मल प्लेट से, ठीक है, सिंगल डर्मल प्लेट से जिसे हम लोग कैरापेसी बोलते थे, उससे इस इन एनिमल का हेड जो है वो ढका हुआ होता था। दूसरे अगर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करें एनेस्पिडा में, तो एनेस्पिडा के एनिमल्स में आपकी हाइपोसर्कल टेल पाई जाती थी, हाइपोसर्कल टेल की प्रेजेंस थी। हाइपोसर्कल टेल का मतलब होता है कि सपोज आपकी ये कोई फिश है और इसकी जो टेल में इस तरीके से हम लोग देखते हैं फिश की टेल इस तरीके से बाइफर्केट होती है, तो इसमें अगर नीचे वाला हिस्सा आपका बड़ा होगा तो ऐसी टेल को हम लोग हाइपोसर्कल टेल बोलते हैं। सो द लोअर लोब इज लार्ज
इन दिस टेल दैट टेल इज कॉल्ड हाइपोसर्कल टेल। तो आपका एनेस्पिडा एनिमल्स में सिंगल कैरापेसी, सिंगल एक हड्डी पाई जाती थी हेड में, और अगर बात करें तो हाइपोसर्कल टेल की प्रेजेंस होती थी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट ऑर्डर इज ऑस्टियोट्रैकी, या हम लोग इसको सिफेलोप्सिडा भी बोलते थे, ठीक है, सिफेलोप्सिडा। तो आपका अगर हम बात करें तो मोनोहोरिना और इसका सिफेलोप्सिडा जो ऑर्डर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट हम सिफेलोप्सिडा ऑर्डर की कैरेक्टरिस्टिक फीचर को देखेंगे। इस तरह के जो है ऑर्डर में एनिमल्स के पास जो टेल होती थी दैट टेल इज हेट्रोसर्कल, ठीक है, ऐसे एनिमल्स में हेट्रोसर्कल टेल पाई जाती थी। मींस आपका जो ऊपर वाला लोब होगा, नाउ द अपर लोब इज लार्ज, लार्जर देन द लोअर लोब। तो ऐसे फिशेज में हम लोग बात करेंगे तो आपका अपर लोब लार्ज होता था और लोअर लोब स्मॉल होता है इन सिफेलोप्सिडा में, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज द प्रेजेंस ऑफ पल्प बिहाइंड द गिल्स, ठीक है। तो ऐसे एनिमल्स में, ऐसे फिशेज में अगर हम बात करें तो आपका जस्ट गिल के पीछे एक पल्प पाया जाता था इस तरीके से, एंड दिस शोज, ये प्रेजेंस, ये ऐसा अपीयरेंस देता था जैसे अगर हम बात करें तो ये आपका लुक लाइक एज ए पेक्टोरल फिन, ठीक है, जिससे हम लोग ये रिजेंबलेंस लगाते थे कि ये पल्प आपका जो है पेक्टोरल फिन की जैसे होता था। द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज सेवरल पेयर ऑफ गिल स्लिट्स। तो आपके इस ऑर्डर के एनिमल्स में, सिफेलोप्सिडा के एनिमल्स में जो है गिल स्लिट्स के कई सारे पेयर पाए जाते थे, और आपका गिल्स के पीछे पेक्टोरल फिन की प्रेजेंस होती थी। मींस गिल्स के पीछे आपका एक लोब प्रेजेंट होता था जो कि ऐसा दिखाता था कि आपका पेक्टोरल फिन यहाँ पे प्रेजेंट है, और जो टेल होती थी दैट टेल इज हेट्रो सर्कल टाइप, ठीक है, द टेल इज हेट्रो सर्कल टाइप। तो आपका जो भी सिफेलोप्सिडा है, कहा जाता है कि कुछ वैज्ञानिक, कुछ जूलॉजिस्ट बोलते हैं कि सिफेलोप्सिडा से ही आपका पेट्रोमाइजॉन, दिस पेट्रोमाइजॉन इज प्रेजेंट इन द ऑर्डर पेट्रोमाइजोंटी फॉर्मिस। तो हम लोग देखेंगे साइक्लोस्टोमेटा का बहुत ही इंपॉर्टेंट, साइक्लोस्टोमेटा को हम लोगों ने दो ऑर्डर में डिवाइड किया हुआ है, दैट इज पेट्रोमाइजोंटी फॉर्मिस और मिक्सी फॉर्मिस। अगर हम बात करें तो पेट्रोमाइजोन में आपका यहाँ पे सेवरल पेयर ऑफ गिल स्लिट्स और सर्कुलर माउथ अगर डेवलप हो जाए तो आपके ऑर्डर ऑस्ट्रैकी, ऑस्टियोस्ट्रैकी या सिफेलोप्सिडा से ही आपका पेट्रोमाइजोंटी फॉर्मिस की ओरिजिन हुई है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें डिप्लोरहिना में, तो डिप्लोरहिना को टू ऑर्डर में डिवाइड किया गया है, दैट इज पेट्रोट्रैकी है जिसको टीरोप्सिडा भी कहा जाता है। द एनिमल ऑफ दिस ऑर्डर हैव, इसके पास हेड में, हेड हैज कवर्ड इन ए शील्ड, बोनी शील्ड, ठीक है। अगर हम बात करें तो बोनी शील्ड में इसका हेड प्रेजेंट होता है। दूसरे करेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात करें तो इसके पास हाइपोसर्कल टेल की प्रेजेंस होती है। लेटरल आई सेपरेटेड, चौथे कैरेक्टरिस्टिक फीचर की अगर हम बात करें सिंगल, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स, इसको मैं ऊपर लिख देती हूं, ए सिंगल ओपनिंग ऑफ गिल स्लिट, ठीक है। तो केवल इससे पहले हम लोगों ने जो आपका सिफेलोप्सिडा देखा था, जो कि हमारा प्रीवियस हमारा मोनोहोरिना का ऑर्डर था, उसमें हम लोगों ने देखा था कि आपका जो गिल स्लिट्स थी वहां पे मैनी गिल स्लिट्स की ओपनिंग थी, बहुत सारे गिल स्लिट्स की ओपनिंग, बट आपका केवल एक गिल स्लिट्स की ओपनिंग हेट्रोट्रैकी या हम बात करें तो टीरोप्सिडा में पाया जाता है, और हाइपोसर्कल टेल होती है और लेटरल आई सेपरेटेड होते हैं। और कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि आपका जो मिक्सिनी फॉर्मिस ऑर्डर है, दिस मिक्सिनी फॉर्मिस ऑर्डर ऑफ साइक्लोमेटा इज डेराइव्ड फ्रॉम, ठीक है, या ओरिजिनेट फ्रॉम दिस टीरोप्सिडा, ठीक है, टीरोप्सिडा ऑर्डर से ही आपका मिक्सिनी फॉर्मिस मीन्स हैग फिशेस की ओरिजिन हुई है। सॉरी, इससे पहले वाले में मैंने आपको पेट्रोमाइजॉन
पेट्रोमाइजोंटी फॉर्मिस, जो बताया पेट्रोमाइजोंटी फॉर्मिस आर कॉल्ड लैम्प्रे, ठीक है, हम लोग इसको लैम्प्रे बोलते हैं। आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, पीछे ही अभी मैंने इसमें बोला, आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। आपके पेट्रोमाइजोंटी फॉर्मिस की जो ओरिजिन हुई थी वो आपकी सिफेलैप्सिडा ऑर्डर से हुई थी, जबकि आपका टीरोप्सिडा ऑर्डर से मिग्जिनी फॉर्मिस की ओरिजिन हुई है, एंड दिस मिग्जिनी फॉर्मिस फिशेस आर कॉल्ड हैग फिशेस, ठीक है। तो नेक्स्ट में हमें आपको लैम्प्रे हैग्स फिशेस की करेक्टरिस्टिक फीचर के बारे में साइक्लोस्टोमेटा में हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। तो होप सो आपको यहाँ पे इसका करेक्टरिस्टिक फीचर्स और क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा। ये आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, कभी शॉर्ट फॉर्म में कभी लॉन्ग में लिखने के लिए आ जाता है कि आप ऑस्ट्रेकोडर्मी एक्सटिंक्ट क्लास के करेक्टरिस्टिक फीचर्स को लिखिए और क्लासिफिकेशन को लिखिए। तो आपको वहां पे समझना ये जरूरी हो जाता है कि कैसे हमारी ये सारी चीजें इवोल्यूशन में इवोल्यूट हुई हैं और कैसे हमारा इवोल्यूशन हुआ है। तो अब आइए हम इसके बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस की बात करें। तो बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस में अगर हम देखें तो वैज्ञानिक मानते थे इससे पहले कि जो आपका बोनी फिशेस की ओरिजिन हुई है वो कार्टिलेजनस फिशेस से हुई है, बट अगर हम ऑस्ट्रेकोडर्म को देखें तो ऑस्ट्रेकोडर्म के पास ऑलरेडी बोन प्रेजेंट है, तो इससे हमारा ये कंफ्यूजन बिल्कुल दूर होता है। तो हम बोलेंगे कि आपका कार्टिलेज प्रिमिटिव ना हो करके आपका बोन जो है वो बोन ज्यादा प्रिमिटिव है, ठीक है। मीन्स आपका कार्टिलेज कहीं ना कहीं डीजनरेटिव फॉर्म है, ठीक है, डीजनरेट फॉर्म है बोन का। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपका जो टीरोप्सिडा है, टीरोप्सिडा से मिक्सिनी फॉर्मिस की ओरिजिन हुई है और आपका साइक्लोप्सिडा से पेट्रोमाइजोंटी फॉर्मिस ऑर्डर की ओरिजिन हुई है, एनिमल की ओरिजिन हुई है, जो कि आपके डायरेक्ट एंसेस्टर को शो करते हैं, ठीक है। तो ये एनिमल्स जो एनिमल्स आपके पाए जाते हैं टीरोप्सिडा में, वो डायरेक्ट टीरोप्सिडा में वो डायरेक्ट ये शो करते हैं, ठीक है, इनके डायरेक्ट एंसेस्ट्री को शो करते हैं। अगर हम देखें तो इनकी डायरेक्ट एंसेस्ट्री को शो करते हैं। अगर हम साइक्लोस्टोमेटा के साथ इनकी एफिनिटी की बात करें, सेंस ऑफ जॉ, जॉ की अब्सेंस होना इनका साइक्लोस्टोमेटा के साथ करेक्टरिस्टिक फीचर है। दूसरा करेक्टरिस्टिक फीचर, इनमें जो आपका ब्रेन और क्रैनियल नर्व्स हैं वो बिल्कुल आपके साइक्लोस्टोमेटा के जैसे पाई जाती है, मीन्स ऑस्ट्रेकोडर्मी की जो क्रैनियल नर्व और ब्रेन है वो बिल्कुल साइक्लोस्टोमेटा के जैसे पाया जाओ। नेक्स्ट हम बात करें तो आपका ऑस्ट्रेकोडर्म और साइक्लोस्टोमेटा में सेम टू जो है आपके इंटरनल ईयर में टू सर्किल्स पाए जाते हैं, मीन्स आपके दो कैनाल पाई जाती है, टू कैनाल पाए जाते हैं, जो कि शो करता है कि सेम ऑडिटरी, मीन्स दोनों के जो ऑडिटरी ऑर्गन है वो आपका चाहे ऑस्ट्रेकोडर्म हो या साइक्लोस्टोमेटा हो दोनों सेम है, मीन्स आपके ऑस्ट्रेकोडर्म से ही साइक्लोस्टोमेटा की ओरिजिन हुई है। नेक्स्ट है आपका पाउच लाइक ब्रैंकियल सैक, मीन्स आपके जो गिल स्लिट्स हैं वो गिल स्लिट्स आपका ऑस्ट्रेकोडर्म और साइक्लोस्टोमेटा में पाउच लाइक होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जब हम आपको साइक्लोस्टोमेटा बताएंगे तो वहां पे हम आपको बिल्कुल डिटेल में इसके ब्रेन के, इसके स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, क्रैनियल नर्व्स के बारे में, ये और आपके गिल स्लिट्स की पाउचिंग के बारे में डिटेल में बताएंगे। तो जियोमाइटिस मैंने आपको बताया कि जिसका एक एनिमल था जो कि आपका मोनोहोरिनिडा के पहले ऑर्डर का था, वो आपका एनिमल ये शो करता है, रिजेंबलेंस शो करता है आपके ब्रैंकियोस्ट्रोमा से, तो हम कह सकते हैं आपका लोअर कॉर्डेट से ही ऑस्ट्रेकोडर्म की ओरिजिन हुई है, और कहीं ना कहीं आपका ऑस्ट्रेकोडर्म के पास बोन का पाया जाना और ऑस्ट्रेकोडर्म में ही आपका कार्टिलेज का पाया जाना ये शो करता है कि ऑस्ट्रेकोडर्म से ही आपकी बोनी फिशेस की ओरिजिन, मींस पहले प्लैकोडर्मी जो कि ऑलरेडी एक्सटिंक्ट है, पहले बोनी फिशेस प्लैकोडर्मी, ठीक है, मींस जॉ लाइक एनिमल्स, फर्स्ट जॉ वर्टिब्रेट्स, और आपके कार्टिलेजिनस फिशेस कॉन्ड्रिक्थिस की ओरिजिन ऑस्ट्रेकोडर्म से ही हुई है। तो ये इसका बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस था। होप सो आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।